गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन. इट इज लेसन नंबर 3. लेसन नंबर 3 ऑफ सिविक्स, स्टेट गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव. अब तक हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं लेसन नंबर 2 में स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर. स्टेट गवर्नमेंट में हमने पिछले इस लेसन में लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में हम स्टेट की एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव होती क्या है. एग्जीक्यूटिव मींस दैट बॉडी विच इंप्लीमेंट्स द लॉज. एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो बॉडी है, गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो कि कानूनों को लागू करती है. इट इंप्लीमेंट्स द लॉज एंड पॉलिसीज. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, उनको लागू करती है. नई पॉलिसी को बनाना, किसी भी नई प्रोग्राम को बनाना देश के लिए, और साथ ही साथ जो कानून बने हैं उनको सही तरीके से लागू करवाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है. स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल हैं वो हमारे सामने हैं. एक तो गवर्नर, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव की हायरार्की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. गवर्नर होता है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर होता है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है. तीनों मिलके स्टेट की एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नर जो है क्या है, कौन होता है. स्टेट में एक गवर्नर होता है जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है. लेकिन असल में अगर इसको ध्यान से पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ही इज द ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट. वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, ऑफिशियल हेड है, सिर्फ अपने ओहदे से हेड है एग्जीक्यूटिव का. अदरवाइज उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है. वो नॉमिनल ऑफिशियल हेड है, नाम का हेड है, और उसकी ज़्यादातर पावर्स का इस्तेमाल कौन करता है? चीफ मिनिस्टर गवर्नर की पावर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करता है. गवर्नर की ज़्यादातर जो पावर्स हैं, ये चीफ मिनिस्टर के कहने पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है उसकी सलाह. देख लेते हैं जो गवर्नर है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है. देश का प्रेसिडेंट हर एक स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करता है. टर्म 5 years की होती है. गवर्नर 5 साल तक अपने ओहदे पे बना रहता है. 5 साल से पहले भी वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, या ज़रूरत पड़ने पर जो प्रेसिडेंट है वो भी उसको 5 साल से पहले ओहदे से हटा सकता है. पावर्स की बात कर लें तो इसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं. स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी बिल पास होते हैं वो पास होने के बाद गवर्नर के पास जाते हैं, और गवर्नर उनके ऊपर जब साइन कर देता है तो जाकर वो बिल एक्ट बनता है, कानून बनता है. अगर गवर्नर किसी बिल को रिजेक्ट कर दे तो वो कानून नहीं बन सकता. ठीक है, तो इसके पास किसी बिल के ऊपर अपनी अप्रूवल देने की पावर है. देन अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी नियुक्तियां करता है गवर्नर. जैसे अपनी स्टेट में बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स ये अपॉइंट करता है, प्लस चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. चीफ मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी जो है अपॉइंट करने की पावर इसके पास है, और उनको कसम चुकाता है. तो इस तरह से इसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, लेकिन अपनी ज़्यादातर पावर्स जो गवर्नर है ये चीफ मिनिस्टर की सलाह से इस्तेमाल करता है. जो इसको चीफ मिनिस्टर कहता है उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नर काम करता है. लेकिन इसके बावजूद इसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं. डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स जो अपनी इच्छा से ये इस्तेमाल कर सकता है, हालांकि वो बहुत कम है. जैसे ज़रूरत पड़ने पर जब इसे लगे कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्टेट में सही तरीके से कानून व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहा, तो ये प्रेसिडेंट को जो है रेकमेंड कर सकता है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए. तो इस तरह से इसके पास कुछ अपनी मजबूत पावर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग पावर्स भी हैं. तो ये तो था हमारा गवर्नर और उसकी अपॉइंटमेंट, टर्म एंड पावर्स. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा गवर्नर हमने पढ़ लिया,
अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है ये रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है। चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है वो द रियल हेड है। सचमुच स्टेट की एग्जीक्यूटिव द हेड है, क्योंकि स्टेट की एग्जीक्यूटिव दे विच जो भी काम होंगे ने सब चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के नाल होंगे। ईवन जिहड़ा गवर्नर है वो भी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के नाल सलाह के नाल ही सारे काम कर सकता है। क्लीयर। और चीफ मिनिस्टर की असं टर्म देख लें कितनी हैगी 5 ईयर्स। और इस तो इलावा सानू पता है कि चीफ मिनिस्टर विधानसभा का एक मैंबर होंगे, जिवें कि तुहाडी बुक दे विच गिवन है वी दस्या है कि इलैक्शन तो बाद जिहड़ी भी पार्टी विधानसभा की इलैक्शन तो बाद जिहड़ी भी पार्टी विधानसभा दे विच मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी गवर्नर इनवाइट करता है गवर्नमेंट बनाने वास्ते। जिहड़ी भी पार्टी विधानसभा च मेजोरिटी लेगी उस ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और उस पार्टी का जिहड़ा हैड हुंदा है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। विधानसभा दे विच जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है इलैक्शन दे विच उस पार्टी का हैड ही गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। उस तो बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी दे विच कुछ मैंबरस लैंदा है, उन्होंने लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट गवर्नर नूं पेश करता है, और गवर्नर उन्होंने मैंबरस नूं मिनिस्टर्स के तौर पर सहुं चुकाउंदा है। ये मिनिस्टर्स कौन होंदे ने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किवें अपॉइंट किए जाते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी के कुछ मेन मैंबरस एक लिस्ट तैयार करेगा, वो लिस्ट चीफ मिनिस्टर सौंपेगा, गवर्नर सौंपेगा, गवर्नर उस लिस्ट में जोड़ा है अप्रूवल देगा तो उन्होंने कसम चुका के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जोड़ा है 3 तरह के मिनिस्टर ने, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इहदे विच हर एक मिनिस्टर दे कोल अपना एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हुंदा, जिवें एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। सो कैबिनेट मिनिस्टर जिहड़े हुंदे ने सब तो मेन मिनिस्टर हुंदे ने, हर एक दे कोल अपना अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट महकमा हुंदा। नैक्सट आउंदे ने मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वो मिनिस्टर हुंदे ने जिन्हां दी इंपोर्टेंस थोड़ी घट हुंदी है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिहड़े हुंदे ने इन्हां दे कोल छोटे लैवल का डिपार्टमेंट होंदा, थोड़ी घट इंपोर्टेंस वाला डिपार्टमेंट होंदा, ज़्यादा मेन डिपार्टमेंट नहीं होंदे। लास्ट होंदे ने साडे कोल डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर वो होंदे ने जो कैबिनेट मिनिस्टर की और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हैल्प करने वास्ते होंदे ने, एज ए हैल्पर होंदे ने। इन्हां दोनों ही उपर कैटेगरीज की हैल्प करने वास्ते ये अपॉइंट किए जाते हैं। सो ये तीनों ही टाइप के मिनिस्टर मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ते डिप्टी मिनिस्टर मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 तरह के मिनिस्टर ने, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है जी। और इन्हों अपॉइंट कौन करता है? इन्हों अपॉइंट करता है गवर्नर, और गवर्नर अपने आप अपॉइंट नहीं करता, चीफ मिनिस्टर की सलाह के नाल सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इज इट क्लीयर? और सानू ये भी पता है कि चीफ मिनिस्टर जिहड़ा है इहदे कोल बहुत ज़्यादा पावर्स ने। चीफ मिनिस्टर जिहड़ा है टाइम टू टाइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दियां मीटिंग करवाउंदा रहिंदा है, प्लस ज़्यादातर जिहड़ा है मेन ज़्यादातर जिहड़े फैसले हुंदे ने स्टेट दे वो स्टेट दी कैबिनेट दी मीटिंग विच ही चीफ मिनिस्टर द्वारा ले लए जांदे ने, और उस तों बाद बाकी मिनिस्टर्स नूं उहदे बारे इनफॉर्मेशन दे दित्ती जांदी है। सो कैबिनेट दे जो भी डिसीजन लिया जांदा है इहदी सारी इनफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर गवर्नर तक पहुँचाता है। क्लीयर। और इस तरह के नाल जिहड़ा है चीफ मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के विचकार एक लिंक, एक कड़ी का काम भी करता है। सो चीफ मिनिस्टर का बहुत ही अहम रोल है स्टेट एग्जीक्यूटिव दे विच, जिथे वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है उत्थे वो जिहड़ा है गवर्नर को भी टाइम टू टाइम एडवाइस देता है बहुत सारे काम करने के लिए, और गवर्नर हमेशा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के नाल ही सारे काम करता है, जो भी उन्हें अपॉइंटमेंट्स करनिया ने जो होर मेन इंपोर्टेंट वर्क करना है तो गवर्नर जिहड़ा है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के नाल ही
करता है। सो देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर इस तरह नाल रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव बन जाता है। नाउ टेल मी हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। गुड, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज कैप्टन अमरिंदर सिंह। हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। द गवर्नर ऑफ पंजाब इज वी पी सिंह बदनौर।